कुछ बातें करते हैं एनिवर्सरीज को लेकर के, और बहुत ज्यादा वह चर्चा थोड़ी गर्म हो रही है अपना कमेंट बॉक्स हमने देखा। कुछ लोग ऐसे थे जो टारगेट कर रहे थे, होते नेगेटिव एलिमेंट सब, उसमें कमेंट क्या आया जा रहा था कि आपके देवर देवरानी क्यों नहीं आए, आपके देवर देवरानी नजर नहीं आए, उनको आपने क्यों नहीं बुलाया, आपके मायके वाले क्यों नहीं नजर आए, आपने क्या अपने मायके वालों को नहीं बुलाया। डेट मिल रहा था कि देवर देवरानी और मायके वाले क्यों नहीं आए, ये देवरानी के जो घर से मायके वाले वो भी क्यों नहीं आए। सोचा था इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इस बात को इग्नोर कर रहे थे निगेटिव एलिमेंट, वो सोच रहे थे कि जरूर कुछ ना कुछ बात है, इसलिए इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो हम लोग खाटू श्याम के मंदिर तो घूम लिए, उसके बाद हम लोग जो है अब वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं। अच्छा खासा जो है थोड़ा सा थकावट हो गया है, और बीच रास्ते में हम लोग रुके हैं दिल्ली यहाँ से, उसके से 4 घंटे की दूरी पर होगा, लेकिन भूख इतनी तेज लग गई कि हम लोग यहाँ पर रुक गए, और खाना सब एक करके सभी आ रहा है। और क्रियांश जो है फिलहाल इसको बिजी रखा गया है, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करें, क्योंकि पूरा जितना भी है रेस्टोरेंट का एक एक कोना है सारा घूम चुका है हमारा क्रियांश बेटा। तो ठीक है, तो आ रहा है जी। हमने ऑर्डर किया हुआ है नूडल्स मंचूरियन, और उन्होंने क्या है छोले भटूरे। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने ऑर्डर किया हुआ है अपने लिए मसाला डोसा और दिया के लिए आया था मंचूरियन और नूडल्स, तो एक करके सभी लोग खाते हैं। भूख भी बहुत तेज लग गई है, क्रियांश को छोड़ दिया, अपना खेल रहा है उधर, कोई बात नहीं, देखते भी रहेंगे, खाते भी रहेंगे और अपना पेट भी भरते रहेंगे। इसके बाद जो है 3 से 4 घंटे में जो है हम लोग पहुँच जाएंगे एनसी दीदी के घर दिल्ली, और फिर वहाँ भी खाना बना हुआ है तो वहाँ भी खाना है, तो जल्दी खाते हैं चल। 6.5 hours later. जी अभी खाटू बाबा के मंदिर से जो है हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपने नैन्सी दीदी के घर, और जैसे ही यहाँ आए तो मैच का, तो सुबह में तो याद था कि मैच है, लेकिन बीच रास्ता जो है उसमें भूल गए थे कि मैच है। उसके बाद आए रूम तो सोचा कि थोड़ा सा हाईलाइट सब दिखा दे पुराने मैचों का, तो देखा कि यहाँ मैच चल रहा है, और मैच हमने तब से देखना शुरू किया जब से कितना था 14 बॉल में कुछ समथिंग रन चाहिए था, 21 रन के करीब सब, तो बुमराह था बॉलिंग पर, वहाँ से देखना चालू किया और मज़ा आ गया जी, जीत गई टीम इंडिया। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पटाखा सब पटाखा फट रहा है एकदम, बहुत मज़े में, और पूरी सोसाइटी के लोग सब इकट्ठा है यहाँ पर, प्रोजेक्टर सब का व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट डे सुबह के बज रहे हैं 10, तो हमारे यहाँ खाना बन चुका है, प्रॉपर सारा खाना बन चुका है, तो अभी मैं देने वाली हूँ खाना रुद्र भाई को। रुद्र भाई दिन में जो है रोटी खाते हैं, तो उनके लिए रोटी बनाया जा रहा है, बाकी सभी लोगों के लिए चावल बना है, जो लोग रोटी खाते हैं उनके लिए रोटी भी बनता है, लेकिन जो चावल खाएंगे उनके लिए पहले से बन चुका है, आटा भी मिला हुआ है, तो मैं फटाफट से रोटी बना के दूंगी उनको। और ये दीदी ने अचार जो बनाया ना एकदम मस्त वाला अचार है, बहुत अच्छा लगता है दीदी के हाथ का अचार मुझे। और मैं दिखाती हूँ क्या क्या बना है, ये जो भुजिया बना है ना, ये देख सकते हैं, ये क्रियांश के लिए मैंने भुजिया बनाया, क्योंकि बहुत दिनों से ना क्रियांश जो है दाल चावल नहीं खाया था, भुजिया नहीं रहता है तो खाता ही नहीं है, पता नहीं उसके साथ क्यों ऐसा है। बाकी और क्या बना है मैं दिखाती हूँ, ये रोटी हमारी बन गई, और इधर चावल बना हुआ है, और ये रहा भिंडी का भुजिया, और भी बनाई ये बैगन, रुद्र भाई को बैगन बहुत ज़्यादा पसंद है तो बैगन बनाया, और मैं अभी देती हूँ तुम दे आना, ठीक है लड्डू। और मामा क्या कर रहे तुम्हारे? मामा तो ब्रश कर रहे हैं। ब्रश कर रहे हैं, मामा जब आएंगे तो मामा को भी खाना दे देंगे, बाकी अभी रुद्र भाई को दे आओ, ठीक है, ये लो दिया। मामा खाना, मेरा खाना अभी मैंने, अभी तो मैं नहाऊंगा तुम ना, ओके मैं नहाऊंगा तो बाबू, मम्मी खाना रिटर्न हो गया। क्यों? मामा भी नहाई नहीं है। नहाई नहीं है तो खा लेंगे, तब नहा लेंगे, मामा बेटा नहा के खाएंगे। अच्छा, तो खाटू श्याम मंदिर का दर्शन करके हम लोग आ गए यहाँ पर, खाना पीना सभी का हो गया, और रुद्र पूजा जो है अब यहाँ से जा रहे हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में क्या है आपके सिस्टर का घर है ना? अच्छा, भैया दीदी सभी वहीं पर है, अच्छा है, चलिए आप लोग भी वहाँ फैमिली से मिलिए। बिहार में बाकी सारी फैमिली, इसके बाद मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पर।
उन लोगों को घर से दूर पसंद नहीं है। जो भी होता है ना, वो लोग जहाँ पे पहले से रहे हुए हैं वहीं पसंद। सही बात है, सभी के साथ ऐसा ही सिचुएशन है। तो कोई बात नहीं, आप चलिए अपनी दीदी से मिलिए। हमारी दीदी से तो मुलाकात हो ही गई आपकी। आई आई आप लोग जो करेंगे हम पता है। तो पूजा जाने वाली है, मुझे उम्मीद था कि एक दो दिन और रुकेगी, लेकिन ये उम्मीद पे पानी फेर दी। लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी बहुत हैरेसमेंट हो गया, बहुत दिन से ट्रैवल कर रही है। इसको एक और ट्रिप मारना था मेरे साथ, लेकिन वो नहीं हो पाया बिकॉज़ पीछे से। हाँ, एक और ट्रिप का प्लान था, लेकिन सबका शरीर जवाब दे दिया है, बहुत थक गए हैं यार। क्योंकि हम लोगों का ये था ना कि हम लोगों का ये था कि फिर जो है बिहार जाएंगे, फिर वापस अभी आना मुश्किल है। मम्मी क्या कह रही है? चलो 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 चलो, क्या चल रहा है भाई? प्यार चल रहा है, प्यार चल रहा है। तो हमारा मकान है कि 24वें फ्लोर पर लिफ्ट के आने का है इंतजार, और सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पर इंतजार। तो इसके बाद चलेंगे सीधा यहाँ से बेसमेंट में, है ना? पता लोग में सोलवा फ्लोर जो है चला गया था, 8 फ्लोर बचा हुआ था। हाँ, फोन किए तो एक सीढ़ी उतर गए जी, या तो पहले अच्छा खासा उतर लिए थे हम लोग। अरे वाह 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 वाह, जय कर रहा है, जय कर रहा है। ये लीजिए बैग, लीजिए झोला, लीजिए। नहीं तुम नहीं जाएगा बेटा, तुम नहीं जाएगा। तो ये लोग जो जी विदा हो रहे हैं, और शिवांश महाशय बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है। यहीं से जाएगा, यहीं से जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार डिंग डिंग कर दे तुमको। डिंग डिंग कर दो, डिंग 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 नहीं, हाँ धुलवा लीजिएगा उधर। डिंग 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 डिंग। बाय बाय कर दो क्रियांश, बाय बाय। तुम नहीं जा रहे बेटा, तुम यहीं पर हो। बाय 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 बाय। हो गए, और इसके बाद अब बारी है आज का जो ट्रिप के वीडियो का, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सोच रहे थे कि इन सब चीज़ों की जवाब देने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कमेंट बंद नहीं हो रहा था, तो सोचा कि अब जवाब तो देना ही चाहिए। तो चलते हैं पहले ऊपर हम लोग, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी लग रहा है क्रियांश को। रुद्र पूजा तो चली गई जी, और अब चलिए कुछ बातें करते हैं एनिवर्सरीज को लेकर के। और बहुत ज्यादा वह चर्चा थोड़ी गर्म हो रही है, अपना कमेंट बॉक्स हमने देखा कल, तो इतना ज्यादा कमेंट आ रहा था ना, कुछ लोग तो मुझे इतना ज्यादा टारगेट करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बात के औरों की फैमिली के जैसे। हाँ तो बताते हैं जी हुआ क्या बात। तो हमने अपना एनिवर्सरी मनाया जी, धूमधाम से मनाया, और अपनी शादी की 5वीं सालगिरह थी। जैसा सपने में भी नहीं सोचा था, वैसी एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और आप लोगों ने देखा भी, और बहुत सराहा बहुत लोगों ने, और बहुत प्यार दिया, और आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसा लग रहा था कि हमारी खुशी में आप लोग भी अपनी खुशी को महसूस कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो टारगेट कर रहे थे। जी हाँ, होते हैं ना कुछ लोग, होते हैं नेगेटिव एलिमेंट सब। तो उसमें कमेंट क्या आया जा रहा था कि आपके देवर देवरानी क्यों नहीं आए, आपके देवर देवरानी नजर नहीं आए, वो आपने क्यों नहीं बुलाया, आपके मायके वाले क्यों नहीं नजर आए, आपने क्या अपने मायके वालों को नहीं बुलाया। तो और खास करके हद तो तब हो गए जब करे आपका क्रियांश भी नहीं आया। क्रियांश क्यों नहीं नजर आया, प्यार से वो पूछ रहे थे ना कि क्रियांश भी नजर नहीं, लेकिन हेट मिल रहा था कि देवर देवरानी और मायके वाले क्यों नहीं आए इस चीज को। हाँ, और ऋतु के घर से भी कोई क्यों नहीं आया यहाँ पर। तो ऐसा भी चल रहा था कि देवरानी के जो घर से मायके वाले वो भी क्यों नहीं आए। तो ऐसा करते हैं जी, एक एक करके सब पर अब बात कर ही लेते हैं। ये जो चर्चा लगातार चल रही है, सोचा था इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इस बात को इग्नोर कर रहे थे, तो जो भी थे निगेटिव एलिमेंट वो सोच रहे थे कि जरूर कुछ ना कुछ बात है, इसलिए इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे ये। तो हमारा जवाब नहीं देना भी वो लोग समझ रहे थे, कुछ अलग ही एंगल से ले रहे थे। यह जो चर्चा ही जो गर्म हो रही है, इसको थोड़ा सा अब ठंडा कर देते हैं, शांत कर देते हैं इन चर्चाओं को। तो सबसे पहले आते हैं जिया के मायके वालों पर। तो जिया के मायके से आए थे जी लोग,
जिया की मम्मी तो केक कटिंग तक में भी शामिल थी, सामने में खड़ी थी वह, और रिया भी आई थी, जिया की बुआ लोग भी आए हुए थे, लेकिन रिया दिखी नहीं। हाँ, तो और रिया नहीं दिखी जिया की बहन, तो उसके बारे में जी हाँ आपका सवाल जेन्यून है। तो बात क्या था जी, रिया क्रियांश को संभाल रही थी, और रिया क्रियांश को संभाल रही थी इसी वजह से हम लोगों का जो है एनिवर्सरी मनाना संभव हो पाया। आपने देखा होगा बर्थडे ब्लॉग में, जो हमारा पिछला बर्थडे ब्लॉग था, तो क्रियांश अपने बर्थडे पर कितना ज्यादा परेशान हो गया था भीड़ को देख करके, ठीक उसी तरह से एनिवर्सरी में भी हमने कोशिश की उसको लाने की, लेकिन वह परेशान होने लग गया, तो रिया उसको लेकर के चली गई साइड, और मैं वो चली गई थी। बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहेंगे रिया का, जिसकी वजह से जो है सारा एनिवर्सरी हम लोग का सेलिब्रेट हो पाया, और बच्चे को उसने अच्छे से जो है संभाल लिया, वरना अगर वो नहीं रहती तो हम जानते हैं कि पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रियांश पर ही रहना था। संभाल रही थी ना, कि लग रहा था कि मैं ही संभाल रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा लगा जी वहाँ पर। और उसके बाद जो चर्चा उठ रही थी जी, चलिए रितु का बात कर ही लेते हैं, तो पहले रितु और मोनू को लेकर की बात कर लेते हैं जी, आके देवर देवरानी ये तो, नहीं बोल रहे रितु और मोनू, सीधा ये बोल रहे थे कि आपके देवर देवरानी क्यों नहीं आए, तो देवर देवरानी जी मैं बोलना नहीं चाहती थी ये सब चीज़, बिल्कुल ये सब नॉर्मल चीजें हैं, समझ लेनी चाहिए थी। तो आपको बताते हैं जी हुआ क्या था, क्रियांश के बर्थडे में वो लोग थे, जो भी ये कमेंट कर रहे हैं उनको शायद ये तो याद होगा, क्रियांश के बर्थडे में थे वो लोग, और ठीक एक महीने बाद जो हम लोगों का एनिवर्सरी था, 16 मई को क्रियांश का बर्थडे था और 21 जून को हमारी एनिवर्सरी, तो बहुत ही कम गैप है इस बीच में, और वो लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में, तो इस वजह से जो है वो लोग क्रियांश के बर्थडे तक रुके, और क्रियांश के बर्थडे में रुक करके वो लोग चले गए अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। फिर भी हमने जो है उनको कॉल किया, जी फर्ज बनता है कॉल करना उनको, कि उसको बुरा ना लगे, उसको बुरा ना लगे, तो हम लोगों ने कॉल भी किया, और वो बताया कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, जस्ट कुछ दिन पहले ही आए हैं तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कटिहार जब आए थे उस टाइम भी लगभग 10 दिन स्टे किया था यहाँ पर वो, और मुझे ये सब चीज अच्छा भी नहीं लगता कि किसी की पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। हाँ, पहले वो चीज है फिर ये चीज़। सही बात है जी, लाइफ में एक बार सेटल हो जाएगा फिर सब कुछ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा जी। तो देवर देवरानी जी इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनकी पढ़ाई चल रही थी, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। और अब बात करते हैं जी ऋतु के मायके से कोई क्यों नहीं आ पाया, तो बात क्या था जी, ऋतु की जो बहन है, जो मजली बहन है, उसका एग्जाम था, उसके पापा सब एग्जाम दिलवाने गए हुए थे, तो इस वजह से जो है उनका आना संभव नहीं हो पाया, तो तो उनको भी इनवाइट किया था, सभी लोगों को इनवाइट किया था जी, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो उम्मीद करते हैं जी शायद यह चर्चा अब तो नहीं उठनी चाहिए, हमारे लिए जैसे हमारे मायके वाले हैं वैसे उसके मायके वाले हैं। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि अपने मायके वाले को बुलाए, मेरा फंक्शन उसके मायके वाले को नहीं बुलाए, तो सभी लोगों को जी सभी लोगों को इनवाइट किया था। और हमारे भी फैमिली से हमारी मम्मी आई थी, जो कि आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने मिस कर दिया होगा, वो थी। पापा हमारे दादाजी का तबियत बहुत ज्यादा खराब, इसलिए जिया के पापा नहीं आ पाए, लेकिन मम्मी आई थी। हाँ जी, तो अब ऐसा करते हैं जी इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, अब ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। जितने भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर होंगे, जिनको भी थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि वो लोग क्यों नहीं आए, उनको जवाब मिल गया होगा, बाकी जो हेटर है वो तो हेट करते ही रहेंगे, तो उसके ऊपर क्या सोचना जी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।